एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को, तो देखो जब कोई एक पुल है, इस पुल को कोई जब एक ट्रेन आ रही है और वो ट्रेन जब इसको क्रॉस करती है, तो ट्रेन को क्रॉस करने का मतलब यहां से ट्रेन ने स्टार्ट किया होगा और जब ट्रेन पूरी यहां पर निकल गई होगी, यानी जब इसका ये लास्ट वाला हिस्सा निकला होगा तब, तो यहां पर जब भी कभी चाहे किसी टनल को पार करे, चाहे किसी पुल को पार करे, चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे, तो यहां पर ट्रेन की लेंथ प्लस, और यहां पर जो आपको ये दिया गया है ब्रिज यानी पुल दिया गया है, ठीक है, तो ये ब्रिज है, इसकी टोटल लेंथ हमारी पार करनी होती है, जो कि आपको पार करने में इसका दिया गया समय कितना, 10 सेकेंड, ठीक है। और ट्रेन की स्पीड कितनी, 90 किलोमीटर। अगर ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 90 × 5/18 करते हैं मीटर पर सेकंड के लिए, 18 से यहाँ पर ये 5 और 5 का 5 मल्टीप्लाई, यानी ट्रेन की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में ट्रेन 25 मीटर जाती है। इतनी बात क्लियर है। अब उसने टाइम कितना लिया, 10 सेकेंड। तो अगर हम करें यहां पर स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, तो स्पीड आपकी यहां पर कितनी है, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड आपकी हो जाएगी यहां पर 25 × टाइम है 10, तो यहां पर 25 × 10 आपका आंसर आएगा 250, यानी ट्रेन ने उस 10 सेकेंड में 250 मीटर की दूरी कवर करी होगी, जिसमें से आपकी माइनस हो जाएगी, यानी कि जो आपका ट्रेन प्लस जो आपका ब्रिज है वो इक्वल टू है किसके, 250 के। तो यहाँ पर ट्रेन प्लस ब्रिज कितना है, 100, बराबर है 250 के। अगर हम ट्रेन की यहाँ पर बात करें तो 100 ये उधर माइनस हो जाएगा, तो ट्रेन की यहाँ पर लेंथ आ जाएगी कितनी, 150 मीटर। 150 मीटर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को?